जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। आज तक मैंने कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर की, फिर चाहे वो नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में हो, फिर चाहे वो अटल सेतु के बारे में हो, फिर चाहे वो प्रॉपर्टीज के बारे में हो या फिर डेवलपमेंट के बारे में हो। आज फिर से लेकिन आपके साथ जो एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ और वो इन्फॉर्मेशन होने वाली है पनवेल से कर्जत डेवलप होने वाली लोकल रेलवे लाइन। इससे पहले भी मैंने पनवेल से कर्जत लोकल रेलवे लाइन जो डेवलप हो रही है उसके ऊपर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और उससे एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ने वाला है वो भी सारी कहानी जो आप लोगों के साथ शेयर की थी। लेकिन उस वीडियो को जो है काफी टाइम हो चुका है, अब जो है उसी रेलवे ट्रैक का अपडेट देने का जो है वो टाइम आ चुका है। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं पनवेल से कर्जत तक जो रेलवे ट्रैक का काम शुरू हुआ है उसका काम कहां तक आया और एग्जैक्टली किस तरीके से जो है वो काम आगे बढ़ने वाला है और कब तक हमें फाइनली वो यूज करने मिल सकता है। लेकिन 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 जैसा हम सारे वीडियो में जो कोशिश करते हैं कि आपके नॉलेज को थोड़ा सा जो है अपग्रेड कर पाए, थोड़ा सा बढ़ा पाए, इसीलिए इस वीडियो को जो है बीच में शुरू करने से पहले थोड़ी सी अपडेट, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोकल रेलवे लाइन के ऊपर जो है आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मुंबई से अलग अलग जो रेलवे ट्रैक निकले हैं, लोकल रेलवे ट्रैक निकले और उसके जरिए हम कहां कहां तक पहुंच सकते हैं और इसी के ऊपर हमें समझ में आएगा कि पनवेल से कर्जत जो लोकल ट्रैक डेवलप हो जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहां से जो है हमें रेलवे ट्रैक दो टाइप के देखने मिलते हैं, एक है हमारा सेंट्रल लाइन का रेलवे ट्रैक और दूसरा है हमारा हार्बर लाइन का। इसके अलावा अगर हम मुंबई में चर्च गेट की तरफ जाते हैं तो वहां पे शुरू होता है हमारा वेस्टर्न रेलवे ट्रैक। अगर हम सेंट्रल रेलवे ट्रैक की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जो रेलवे शुरू होती है या फिर जो लोकल रेलवे ट्रैक शुरू होता है वो कुर्ला और थाने को क्रॉस करते हुए कल्याण तक पहुंचता है। वहां से स्प्लिट होके एक लाइन जाती है हमारी कर्जत की तरफ और दूसरी लाइन जाती है हमारी खोपोली की तरफ। तो आज की डेट में किसी को भी कर्जत अगर जाना है तो उसे किसी भी हालत में थाने या फिर कल्याण पहुंचना पड़ता है और वहां से जो है रेलवे लेके या फिर लोकल ट्रेन पकड़ के जो है वो कर्जत तक पहुंच सकते, फिर चाहे वो आदमी मुंबई में हो या फिर पनवेल में हो या फिर नवी मुंबई के किसी भी लोकेशन पे हो। वेस्टर्न रेलवे की अगर बात करें तो वेस्टर्न रेलवे में चर्च गेट से जो है वो ट्रेन शुरू होती है और आगे जाके तीन लोकेशन पे स्प्लिट होती है, ढाणू, वसई और विरार। हालांकि इस रेलवे ट्रैक का जो है हमारे आज के वीडियो के साथ कोई भी कंसर्न नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज में हो इसके लिए इस रेलवे ट्रैक का जो है मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। तो आज हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं वो सेंट्रल रेलवे से रिलेटेड होगी और फिर हमारे हार्बर रेलवे से रिलेटेड होगी। वैसे मैंने आपको बता दिया हार्बर लाइन सेपरेट शुरू होती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से, कुर्ला तक आती है और कुर्ला से फिर जो सीधा सीधा ये पनवेल तक आती है। लेकिन पनवेल आने से पहले एक बेलापुर लोकेशन आता है और बेलापुर से पहले जो है हमारा सीउड स्टेशन आता है और नेरुल स्टेशन आता है। तो नेरुल स्टेशन से जो है सीधा सीधा उरण तक हमारी लोकल रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है, जहाँ से आसानी तक आप उरण तक पहुँच सकते हैं। वैसे अगर आप बेलापुर उतरते हो तो बेलापुर से भी जो है आसानी से आप जो है वो उरण तक पहुँच सकते। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर आप गलती से थाने पहुंच जाते हो तो थाने से भी जो है सीधा सीधा आपको पनवेल के लिए रेलवे ट्रैक मिल जाता है, पनवेल के लिए आसानी से लोकल रेलवे मिल जाती है। तो पनवेल तक पहुंचना तो वैसे मुंबई से काफ़ी आसान हो चुका है बाय ट्रेन की अगर हम बात करें। वैसे बाय रोड आना है तो अटल सेतु ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो मुंबई से नवी मुंबई आना जो है सिर्फ 20 से 25 मिनट का काम हो चुका है। तो काफ़ी सारा फ्यूल बचता है, काफ़ी सारा टाइम बचता है जिसके थ्रू जो है नवी मुंबई लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन नवी मुंबई के बाद अगला डेवलपमेंट जो है डेफिनेटली कर्जत की ओर होने वाला है, बिकॉज कर्जत जो है लोकली कनेक्ट होने वाला है पनवेल के साथ और नवी मुंबई के साथ। वैसे अगर हम कल्याण से आगे जाते हैं तो सीधा सीधा हम लोग कर्जत तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये थी हमारी करंट सीनेरियो, ये थी हमारी करंट सिचुएशन, जिस तरीके से रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं उस तरीके से जो आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिस्टेंस वाइज देखें या फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन वाइज देखें तो थाने या फिर कल्याण से जितना कर्जत कनेक्टेड है या फिर पास में उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो नवी मुंबई से पास में, वो पनवेल से पास में। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, तो दिक्कत यहाँ पर आती है कि पनवेल से या फिर नवी मुंबई से अगर आपको कर्जत ट्रैवल करना है तो आपको बाय रोड ही करना पड़ता है, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है और बाय रोड जो है लोगों को उतना कन्वीनियंट नहीं लगता है। वैसे आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ऑलरेडी पनवेल से जो है कर्जत जाने के लिए एक रेलवे ट्रैक है। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी पनवेल से जो है कर्जत जाने के लिए एक रेलवे ट्रैक ज़रूर है, लेकिन वो यूज़ होता है हमारे कार्गोज के लिए, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए और यूज़ होता है कुछ मेल ट्रेन्स के लिए।
लेकिन लोकल के लिए जितना कंफर्टेबल ट्रैक चाहिए, जितने कंफर्टेबल बाकी की सारी चीजें चाहिए, उतने कंफर्टेबल ही नहीं है। इसीलिए जो है पनवेल से सीधा सीधा करजत तक जो है ना डबल रेलवे लाइन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसकी अपडेट हमने जो है पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी। लेकिन सवाल यह आता है कि पनवेल से अगर करजत तक रेलवे ट्रैक जो है वो लोकली डेवलप किया जा रहा है, तो इसके इन बिटवीन भी और भी कई सारे स्टेशन आ सकते हैं, तो वो कौन से स्टेशन होने वाले, तो यहां पे आपके साथ जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो पनवेल लोकल रेलवे स्टेशन से जैसे ही रेलवे ट्रैक शुरू होगा तो सबसे पहला स्टेशन उसके बाद आता है चिखले। जी हाँ दोस्तों, चिखले रेलवे स्टेशन डेवलप करने का ऑलरेडी जो है प्लेस डिसाइड हो चुका है, उसका जो है बेसिक काम जो होता है वो भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके बाद में जो है मोपे स्टेशन आता है, जिसका ऑलरेडी लोकेशन डिसाइडेड है, थोड़ा बहुत काम भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके बाद में आता है चौक स्टेशन, सेम कंडीशन चौक स्टेशन की भी है, और उसके बाद जो है सीधा सीधा रेलवे ट्रैक हमारा पहुंच जाता है करजत। लेकिन अपडेट यहां पर है कि जो हमारा पहले का लोकल रेलवे स्टेशन का या फिर सेंट्रल लाइन का करजत लोकल स्टेशन था, उस स्टेशन के साथ ये कनेक्टेड होने वाला नहीं। अप्रोक्स कुछ 400 से 500 के मीटर दूर जो है एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, जो कि हार्बर लाइन के लिए होगा। तो अगर आप यहां से सीधा सीधा ट्रैवल करोगे, जब भी ये रेलवे ट्रैक शुरू होगा पनवेल से करजत अगर आप ट्रैवल करते हो, तो हमारे सेंट्रल लाइन के रेलवे स्टेशन के साथ आप कनेक्ट होने वाले नहीं हो। उससे पहले 400-500 मीटर की दूरी पर एक नया रेलवे स्टेशन डेवलप किया जा रहा है, जहां पर आप सीधा सीधा पहुंचने वाले हो। लेकिन ये रेलवे ट्रैक डालना जो है इतना आसान नहीं है जितना वीडियो बनाना आसान है। रेलवे ट्रैक कहीं पर भी डेवलप करने के लिए कई सारे ब्रिजेस बनाने पड़ते, कई सारे टनल्स बनाने पड़ते, और करजत जैसे हिल स्टेशन पर डेफिनेटली लोकल रेलवे जा रही है तो टनल तो जरूर बनने दे। तो कितने टोटल ब्रिजेस बनेंगे, तो 34 इसमें जो है छोटे ब्रिजेस बनेंगे, और इसके बाद में जो है 8 बड़े ब्रिजेस बनेंगे और 3 इसमें टनल बनेंगे। लेकिन टनल जो है सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, ब्रिजेस तो खैर वैसे भी बन जाते हैं, लेकिन बड़े से बड़े पहाड़ के बीचों बीच से सुरंग बनाना और उस सुरंग को आर पार करना, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। तो आज की डेट में अगर मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूं तो 3 जो बड़े टनल थे, तीनों के तीनों टनल का जो है पास थ्रू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, टनल पूरे के पूरे रेडी हो चुके हैं। इवन जहां से ट्रैक जाने वाली मेजोरिटी लोकेशंस पे या फिर मेजोरिटी जगह पे जो है प्लेंथ लेवल हो चुके हैं, और जिस तरीके से ये डेवलपमेंट शुरू है, जिस तरीके से ये काम शुरू है, अब तक जिस तरीके से इस लोकेशन का या फिर इस रेलवे ट्रैक का ग्रोथ हुआ है, उस हिसाब से गवर्नमेंट जो डेट डिसाइड की है वो है 2026। जी हाँ दोस्तों, 2026 तक जो है ये लोकल रेलवे लाइन जो है वो शुरू करने का गवर्नमेंट का प्लान है। पर अपडेट ये बताता है कि जो भी डेट इन्होंने डिसाइड की, उस डेट के हिसाब से जो है काम काफ़ी स्मूथली चल रहा है। बिकॉज पिछली बार जब मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, तब जो है सिर्फ टनल का काम शुरू हुआ था, टनल बना नहीं था। लेकिन आज की डेट में 1-2 नहीं तो पूरे तीनों के तीनों टनल बन चुके हैं, मेजॉरिटी जगह पे ब्रिजेस बन चुके हैं, तो कनेक्टिविटी काफ़ी बेटर होने वाली, काफ़ी आसान होने वाली है नवी मुंबई के लिए, पनवेल के लिए और करजत के लिए। आज की डेट में करजत से अगर किसी को नवी मुंबई पहुंचना है तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, बिकॉज एक ही रेलवे लाइन अवेलेबल है जो कि आती है सीधा सीधा करजत से कल्याण और थाने के तरफ, फिर थाने से जो सेपरेट लोकल रेलवे पकड़ के जो है उन्हें नवी मुंबई या फिर पनवेल के टूवर्स आना पड़ता है, और ये झंझट पूरा आगे जाके कम होने वाला है। सिर्फ 4 रेलवे लोकल रेलवे स्टेशन होंगे, तो हम सोच सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कम हो सकता है। वैसे डिस्टेंस से मुझे याद है 28.1 किलोमीटर का जो है ये पूरा रेलवे ट्रैक होने वाला है, तो हम सोच सकते हैं कि लोकली जो है करजत कितना कनेक्टेड होने वाला है। अब बात करते हैं थोड़े से डेवलपमेंट के ऊपर कि एग्जैक्टली करजत में अभी क्या चल रहा है। तो करजत में अभी के कंपैरिजन में, नवी मुंबई के कंपैरिजन में, पनवेल के कंपैरिजन में या फिर अदर लोकेशंस के कंपैरिजन में प्राइजेस काफ़ी सस्ते हैं। जब भी किसी भी लोकेशंस पे अच्छे कनेक्टिविटी मिलती है, जब भी किसी लोकेशंस पे बेटर रोड्स मिलते हैं, जब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तो डेफिनेटली उस लोकेशन की जो है वैल्यू अप्रिशिएट होती है। इन सभी में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पॉइंट जो है वो है कनेक्टिविटी। जहाँ जहाँ पे भी जो है लोगों का जाना और लोगों का आना आसान होता है, उस जगह पे डेफिनेटली प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करजत जैसे लोकेशन पे भी फ्यूचर में जो है लोगों को काफ़ी सारी अप्रिसिएशन जो है रियल एस्टेट में देखने मिल सकती है। वैसे इस रेलवे ट्रैक से जो है लोगों के पास और भी एक ऑप्शन होगा, मुंबई से अगर आप पनवेल आते हैं या फिर नवी मुंबई आता है, तो वहाँ से सीधा सीधा करजत जाना काफ़ी आसान होने वाला है। वैसे रोड वाइडिंग का भी काम चल रहा है, तो साथ ही साथ जो है रोड को भी थोड़ा सा वाइड किया जा रहा है, ताकि किसी को अगर बाय रोड भी ट्रैवल करना है तो उनके लिए भी काफ़ी आसानी हो सकती है। वैसे हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट भी जो है अपने आखिरी कागार पर है, सब कुछ सही रहा तो अगले 1-1.5 साल में जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट भी रेडी हो सकता है। तो किसी को अगर करजत से लोकली यहाँ पे पहुँचना है तो वो भी काफ़ी आसान होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के लिए एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा
कि कहीं पर भी आप अगर प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो मेक श्योर करना रेरा रजिस्टर्ड अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो डेफिनेटली जो है वो आपके लिए काफ़ी सेफर होने वाला है। अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि जो रेरा रजिस्टर्ड या फिर रेरा के नॉर्म्स में नहीं आता तो उस चीज़ में जो है आप किसी एडवोकेट के थ्रू या फिर किसी सॉलिसिटर के थ्रू जो है डेफिनेटली एक लीगल एडवाइस ले सकते हैं ताकि आपका मेहनत का पैसा कहीं पर भी जो है इन्वेस्ट हो तो उसका जो है अच्छे रिटर्न आपको मिल सके, आपका पैसा कहीं भी बर्बाद ना हो। वैसे ये वीडियो जो है आपके सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, आपके नॉलेज के अपडेट के लिए बना रहा हूँ। मेरा किसी भी बिल्डर के साथ, किसी भी डेवलपर के साथ या फिर किसी भी लोकेशन के साथ कोई कंसर्न नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इवन कोई ब्रोकरेज का काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, इसीलिए जो ये वीडियोज़ मैं बनाता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने पनवेल से जो है कर्जत के बीच में कौन से स्टेशन आने वाले वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, कितना काम हुआ वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, सब कुछ सही रहा तो 2026 तक जो है 2026 तक जो है ये पूरी रेलवे लाइन जो है वर्किंग होगी, जिसके थ्रू जो है पनवेल से लोकली लोग जो है कनेक्टेड हो जाएंगे कर्जत के साथ, ना कि सिर्फ कर्जत के साथ, तो कर्जत के लोग भी जो है टूवर्ड्स पनवेल या फिर नवी मुंबई काफ़ी आसानी से आ सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि कर्जत के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी नवी मुंबई और पनवेल जैसे लोकेशन के लिए, लेकिन साथ ही साथ नवी मुंबई और पनवेल के जो लोग हैं वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कर्जत जैसे लोकेशन पे, या फिर कर्जत जैसे लोकेशन पे काफ़ी पिकनिक पॉइंट है तो लोग उसके भी मज़े जो है नवी मुंबई के लोग काफ़ी आसानी से ले सकेंगे। तो बस यही छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। वैसे ऐसे डेवलपमेंट की इन्फॉर्मेशन जो है आगे भी आपके साथ शेयर होती रहेगी, आपको सिर्फ इतना करना है कि ये प्रॉपर्टी कवरेज जो चैनल है उसे क्लिक करना है बेल आइकन के ऊपर और सब्सक्राइब करना ताकि अगली बार अगर वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे मिलते रहूँगा ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।